राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस की हालत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। कई सालों से पार्टी उठने की कोशिश कर रही है लेकिन वो सफल होती नजर नहीं आ रही। इसी स्थिति ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के माथे पर शिकन ला रखी है। इसलिए उन्होंने राज्यसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई जिसमें कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए ऐसा प्लान तैयार किया गया जो मोदी सरकार को बेचैन कर सकता है। राजनीति में कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी कोई अर्श पर होता है तो कभी फर्श पर। देश की सियासत में लंबे अरसे तक राज करने वाली कांग्रेस की किस्मत कभी इस कदर चमकती थी कि कोई भी उसके खिलाफ सिर नहीं उठा पाता था। लेकिन साल 2014 में ऐसी उल्टी गिनती शुरू हुई कि पार्टी अपने कदम ही नहीं जमा पा रही है। अब आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिंता सता रही है। यही वजह है कि उन्होंने राज्यसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग में राज्यसभा के 34 सांसदों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार सामने रखे। पार्टी के तमाम नेताओं ने माना कि पार्टी विपक्ष के तौर पर सही ढंग से उभर नहीं पा रही है, पार्टी को लगातार देश के हालातों पर सवाल उठाने चाहिए। वहीं पार्टी नेताओं के इन विचारों पर केसी वेणुगोपाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार अपनी आवाज उठा रही है, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा है। इन मुद्दों को उठाने के साथ ही पार्टी नेताओं ने कांग्रेस को मजबूत बनाने का प्लान भी तैयार किया। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अब पार्टी एकजुट होकर बीजेपी का सामना करेगी, देश की स्थिति को लेकर एक सुर में आवाज उठाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अगर जीत हासिल करनी है तो एकजुट रहना ही होगा, जमीनी स्तर पर सभी नेताओं को काम करना होगा, अगर बिखरे रहेंगे तो बीजेपी को कमजोर नहीं बना पाएंगे। आगामी चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने जीत का मंत्र तो दे दिया, लेकिन देखना होगा कि क्या एकजुट के मंत्र से कांग्रेस बीजेपी को मात दे पाएगी या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।